कैसे हो दोस्तों। मैं शुभंकर पांडे, अचीव टारगेट विद शुभंकर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम संविधान के बारे में पढ़ेंगे। संविधान सभा जो बैठी संविधान बनाने के लिए, आज हम उसके बारे में हर प्रकार की चर्चा करने की कोशिश करेंगे कि संविधान सभा ने किस प्रकार से कार्य किया। सबसे पहले संविधान सभा का गठन किया तो हम टॉपिक देख लेते हैं कि हमें संविधान सभा या कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में हमें कौन कौन सी बातों को पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की अगर बात आती है तो हमें सबसे पहले देखना है कि ये कब बनी, मतलब कब गठित हुई, हमें ये देखना है। इसके बाद इसका निर्वाचन कैसे हुआ, मतलब जो सदस्य थे उन सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ, निर्वाचन कैसे हुआ, उसके बारे में देखना है। ठीक है, और इसी में आ जाएगा अन्य विशेषता। अन्य विशेषता, अदर क्वालिटी। फिर बाद में कार्य करने की पद्धति कैसी थी, इनकी कैसे कार्य करते थे, यह हमें देखना है। फिर कार्य में परिवर्तन कैसे आया, परिवर्तन कब आया और कौन कौन सा आया, यह हमें ध्यान में रखना। ठीक है, और फिर संविधान सभा की आलोचना, क्रिटिसाइज जो किया जाता है, उसके बारे में पढ़ना है। तो ये बातें हमें पढ़नी है। इसके अंदर भी कुछ बातें आ सकती है, उन सभी बातों को हमें अपने नोट्स में क्लियर करते हुए चलना। संविधान सभा की मांग हमने आपको लास्ट लेक्चर में बताया कि पहले से होते आ रही थी, और यही कारण है कि जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में पार्टी बदल हुई इंग्लैंड में, लेबर पार्टी आई, तो लेबर पार्टी के द्वारा एक कैबिनेट मिशन भेजा गया, और उस कैबिनेट मिशन का जो आगमन हुआ लगभग लगभग अप्रैल 1946 में, और अप्रैल 1946 में जब इसका आगमन हुआ, तो आगमन हो जाने के बाद में इन्होंने जुलाई और अगस्त के मध्य संविधान सभा के लिए चुनाव करवाया। क्या करवाया, चुनाव करवाया, और इस चुनाव में उन्होंने कुल सीटों की संख्या उन्होंने 389 निर्धारित करी। कितनी निर्धारित करी, 389, जो पूरे भारतवर्ष के लिए थी। और इसमें भी उन्होंने कहा कि इसमें भी दो प्रकार की सीटें रहेंगी। पहली सीटें रहेंगी ब्रिटिश भारत की, और दूसरी रहेंगी रजवाड़ों की। अब सबके दिमाग में आते हैं कि सर ब्रिटिश भारत क्या है, रजवाड़े क्या है, तो आपको हम बता दें कि अंग्रेजों ने भारत के ऊपर पूरा शासन नहीं किया प्रत्यक्ष रूप से। कुछ कुछ जो क्षेत्र थे वो रजवाड़ों के अधीन थे, जहां पर रजवाड़ों के अधिकार को छीनते हुए राजाओं के अंग्रेजों के द्वारा शासन किया गया, उनके बिहाफ में सेना रखी जाती थी। जैसे कि हम भोपाल देख ले, जैसे हम सिंधिया फैमिली का क्षेत्र देख ले, या फिर होलकर देख ले, या हैदराबाद देख ले, ये सब रजवाड़े थे, परंतु इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी ब्रिटिश की थी। तो अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया, पर प्रत्यक्ष रूप से जहां पर उन्होंने शासन किया वो था ब्रिटिश भारत, और जहां पर उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से शासन किया वो थे रजवाड़े। तो ब्रिटिश भारत के लिए उन्होंने सीटों का निर्धारण करके रख दिया था 296 के करीब करीब, और रजवाड़ों के लिए 93, ऐसा मिलाकर 389 करीब करीब सीटें थी। फिर उन्होंने यहीं पर ये सीटों का जो निर्धारण उन्होंने कर दिया, ये सीटों का निर्धारण उन्होंने उस समय की जनसंख्या के आधार पर किया। किसके आधार पर किया, जनसंख्या के आधार पर किया। उस समय की जो जनसंख्या थी 1941 का जो सेंसेक्स था, उसके आधार पर 39 करोड़ के करीब करीब जनसंख्या बैठती थी, और 39 करोड़ की जनसंख्या के आधार पर उन्होंने सीटों का के निर्धारण किया, और बताया कि एक सीट बराबर से 10 लाख लोग हम ये मान के चलते हैं। एक सीट बराबर से कितने, 10 लाख लोग उन्होंने मान के चले।
10 लाख पर एक सीट उन्होंने निर्धारित की, और निर्धारित करने के बाद में उन्होंने और अधिक बांटो राजकरों की नीति यहाँ पर भी उन्होंने नहीं छोड़ी, और उन्होंने कहा कि जो ये सीटों का बंटवारा होगा वो 3 समुदायों के बीच में होगा। जो सीटों का बंटवारा होगा वो समुदाय 3 रहेंगे। पहला समुदाय रहेगा, हम निर्वाचन में देख रहे बेटा, पहला समुदाय रहेगा मुस्लिम, दूसरा रहेगा सिख और तीसरा रहेगा अन्य। क्या रहेगा? अन्य। और ऐसा बोलकर उन्होंने सीटों को बंटवा दिया। और ये सब ब्रिटिश भारत के लिए था, रजवाड़ों के लिए ये पाबंदियां नहीं थी। रजवाड़ों के लिए कह दिया था उन्होंने कि भैया जो राजा लोग अपने प्रतिनिधि भेजेंगे वो प्रतिनिधि हम मान के चलेंगे। चुनाव हुआ, और चुनाव हो जाने के बाद में जो सीटें जीत कर आई वो सीटें जीत कर थोड़ा सा अलग प्रकार से, क्योंकि मुस्लिम लीग को ये लगता था कि इस चुनाव में हम ही जीत कर आएंगे। और जब हम ही जीत कर आने की जब बात उन्होंने सोची पर ऐसा हुआ ही नहीं। कई सारी ऐसी मुस्लिम सीटें थी जहां पर जो पृथक निर्वाचन क्षेत्र की जो उन्होंने बात मानी, पृथक निर्वाचन क्षेत्र की भी बात मानी थी, तो वो बातें कहीं ना कहीं लागू नहीं हो पाई। कई मुस्लिम सीटों पर कांग्रेस की विजय हुई। तो ब्रिटिश भारत जो था, कौन सा भारत बेटा? ब्रिटिश भारत, यहीं पर चुनाव होना था। तो ब्रिटिश भारत पर जब चुनाव हुआ तो ब्रिटिश भारत के ऊपर टोटल सीटें कितनी थी? 296। इस 296 में से 208 के करीब करीब कांग्रेस ने जीत पर हासिल की। कितनी सीटें? 208 पर। 73 के करीब करीब मुस्लिम लीग और 15 अन्य। जब ये चुनाव के नतीजे आए और कई सारी मुस्लिम सीटों पर भी कांग्रेस का आधिपत्य हो गया, तो उसके बाद में जिन्ना ने धीरे 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 अलग भारत के, भारत से अलग होने की मांग को और अधिक सांप्रदायिक रंग देना शुरू कर दिया। इस प्रकार से जब सीटें बटी तो इस सीटों में बटने के बाद में जो संविधान सभा बनी, उन संविधान सभा में जिन्ना और गांधी अलग रहे। क्यों अलग रहे? वो तात्कालिक कारण कुछ और होंगे। जिन्ना अलग रहे, कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे गांधी भी इससे अलग रहे, और जब गांधी अलग है ये भी अलग, तो दो तीन लोगों का ही प्रभुत्व बढ़ गया, एक जवाहरलाल नेहरू और एक वल्लभ भाई पटेल। अब दोनों ही कहीं ना कहीं समाजवाद को भी मानते थे, राष्ट्रवाद को भी मानते थे, तो इन दोनों की विचारधारा का कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ना ही पड़ना था। और इसी बात को ध्यान में रखकर अब जब चुनाव हो गए, तो चुनाव हो जाने के बाद में अब बात आती थी कार्य करने की। अब जब उन्होंने कार्य करना शुरू किया तो कार्य करने के दौरान जो पूरी सीटें 389 सीट थी, उन 389 सीटें के पर बैठे हुए जितने लोग थे वो सभी पहले दिन कार्य करने के लिए नहीं आए। दिसंबर 9 के करीब करीब पहली बैठक बैठी। अगर हम कार्य करने के बारे में बात करें तो दिसंबर 9 को 1946 को पहली बैठक बैठी, जिसकी अध्यक्षता बुजुर्ग व्यक्ति सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई। दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को बैठी, जहां पर स्थायी अध्यक्ष बना दिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब को। और इसी के बाद में 13 दिसंबर 1946 को उद्देशिका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के सामने प्रस्तुत किया कि भैया हम जो बैठ रहे हैं, बैठने का उद्देश्य क्या है, ये आपके सामने मैं रख दूं। तो उद्देशिका ला दिया किसके सामने? संविधान सभा के सामने। इस उद्देशिका में क्या क्या था? सबसे पहले भारत को एक संप्रभु राष्ट्र बनाने की बात कही। ब्रिटिश भारत और अन्य जो क्षेत्र है वो सब क्षेत्र मिलकर अखंड भारत बनेगा, ये बात उसमें लिखी गई। इस सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा करेंगी, और सभी जो संविधान है, ये पूरा संविधान है, इसका स्रोत जो शक्ति का स्रोत है वो जनता मानी जाएगी। इसमें दबे कुचले वंचित शोषित पीड़ित इन सभी लोगों का क्या किया जाएगा? संरक्षण करने की कोशिश करेंगे। जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर है उनका संरक्षण करने की बात की जाएगी। ये सब उद्देश्य में रखा गया कि ये सब उद्देश्य है हमारा संविधान के निर्माण। हम संविधान का निर्माण करेंगे तो इन कुछ 8 से 10 बिंदुओं को ध्यान में रखेंगे, और इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर ही संविधान का निर्माण करेंगे। इसे ही कहा गया उद्देशिका, और ये आगे चलकर हमारे देश का प्रेम बल भी बन गया।
कुछ शब्दों को काट छाट करके हमारे देश के संविधान की प्रस्तावना भी बन गई। अब जैसे ही ये कार्य हुआ, तो कार्य हो जाने के बाद में अब ये निर्धारित करना था कि भैया कार्य तो करना है, पर कार्य करना है तो भैया संविधान का निर्माण करना एक बड़ा काम करना है। और बड़े काम में उन्होंने ये भी देखा कि भैया मुस्लिम लीग है, और दूसरी बात कांग्रेस है, और कांग्रेस में भी कई विचारधारा के लोग हैं, और स्वाभाविक रूप से किसी का एक विचारधारा के प्रति ज्यादा कहीं ना कहीं रुझान है तो दूसरे का उस विचारधारा के प्रति सबसे कम रुझान है या फिर विरोध है। तो भैया अगर हम संविधान का निर्माण करेंगे तो कहीं ना कहीं दिक्कतें आएगी ही आएगी, और दिक्कतें आएगी आएगी तो मतलब हम संविधान का निर्माण कर नहीं पाएंगे और दिक्कतों का ही सामना करते रह जाएंगे। इसलिए जो कार्य पद्धति अपनाई गई वो कार्य पद्धति में प्राय दो मार्गों को अपनाने की कोशिश की। पहला मार्ग जो कार्य पद्धति का था, ये तो हमने डेट देख ली। अब जो कार्य पद्धति का जो मार्ग था वो था सबसे पहले सर्वसहमति का। सर्वसहमति मतलब उन्हीं प्रावधानों को जोड़ा जाए जिस पर संविधान सभा की प्राय क्या है, सर्वसहमति है। कैसी हो? सर्वसहमति। उन प्रावधानों को नहीं जोड़ा जाए जिन प्रावधानों में कहीं ना कहीं क्या दिखाई देती है, टूटन दिखाई दे, मत विभाजन दिखाई दे रहा, क्योंकि आगे ये मत विभाजन कहीं ना कहीं भारत की आजादी के बाद में विरोध का स्वर ले सकता था। और इसी बात को ध्यान में रखकर संविधान में जो कार्य पद्धति अपनाई गई उसमें पहला था कार्य पद्धति सर्वसहमति वाला, दूसरा था कि भैया कुछ ऐसे प्रावधान थे जिसमें दोनों कहीं ना कहीं चाहते भी थे और नहीं भी चाहते थे। तो ऐसे कंडीशन में उन्होंने इस कंडीशन को फेस जब किया तो उस समय उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। जैसे कि एक विचारधारा पर कहीं ना कहीं मतभेद था कि संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार रखा जाए या मौलिक अधिकार रखा जाए। तो कानूनी अधिकार मौलिक अधिकार दोनों, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे, और समाजवाद में संपत्ति कहीं ना कहीं राज्य की धरोहर माना जाता है, व्यक्ति की धरोहर नहीं माना जाता है। और पूंजीवादी विचारधारा के भी कई थे जो कहीं ना कहीं संपत्ति के अधिकार को व्यक्तिगत अधिकार मानते थे, उसे मौलिक अधिकार रखना चाहते थे। तो इसीलिए क्या किया, 19 का एक का च में संपत्ति के अधिकार को रखा गया, और फिर में 31 में भी संपत्ति के अधिकार को क्या करा उन्होंने, किस प्रकार से संपत्ति के अधिक मौलिक अधिकार को कम किया जा सकता है ये भी बात उन्होंने जोड़ दी। तो मतलब यहाँ पर मध्यम मार्ग निकालने की कोशिश की। तो मतलब दूसरा जो उनका कार्य पद्धति थी वो थी मध्यम मार्ग की, मध्यम मार्ग की। इस दो पद्धति के माध्यम से संविधान सभा के द्वारा उन सभी मतों पर कार्य करने की कोशिश की गई जो कहीं ना कहीं संविधान में जोड़े जाने थे। अब जैसे ही कार्य शुरू हुआ 13 दिसंबर के बाद में, तो फिर हमें 13 दिसंबर के बाद में 1947 है, और 1947 में 22 जनवरी, और 22 जनवरी के दिन उद्देशिका पर मतदान हुए और उस दिन उसको स्वीकार कर लिया गया। और इसी के बाद में 1947 में ही हमें ये दिखाई देने लगा कि भारत की आजादी के स्वर और अधिक प्रबल रूप से उठाई देने लगे, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ। पर आजाद होने से पहले माउंटबेटन योजना आ चुकी थी, और ये माउंटबेटन योजना के तहत में भारत में एक बात ये कह दी गई थी कि भैया भारत जो है वो दो भागों में रहेगा, एक भारत रहेगा, दूसरा नया राष्ट्र पाकिस्तान रहेगा। और इस योजना के कारण जो असर पड़ा वो संविधान सभा पर तो पड़ा ही पड़ा, क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल पर तो पड़ा ही पड़ा, साथ में संविधान सभा पर भी पड़ा। क्योंकि भैया 3 जून 1947 को जो माउंटबेटन योजना आई, उस माउंटबेटन योजना के कारण संविधान सभा की जो टोटल सीटें थी 389, वो सीटें हो गई अब 3 जून के बाद में 299। और 299 में जो सीटों की संख्या थी वो सीटों की संख्या ब्रिटिश भारत के लिए कर दी गई 229, और रजवाड़ों के लिए कर दी 70। ये परिवर्तन आ गया। परिवर्तन एक और आया आगे चलकर, जब 15 अगस्त 1947 आया, तो 1947 को जब भारत आजाद हुआ तो आजाद हो जाने के बाद में
ब्रिटिशों ने सत्ता किसे सौंपी, ये बात हमेशा आएगा। तो ब्रिटिशों ने सत्ता सौंपी संविधान सभा को, और संविधान सभा को जब सत्ता सौंपी तो संविधान सभा के द्वारा संप्रभुता प्राप्त कर ली गई, और संप्रभुता प्राप्त करने के बाद में अब ये संविधान सभा भारत की पहली संसद भी बन गई, या अंतरिम सरकार भी बन गई जिसे भारत को चलाना था, और भारत के चलाने के लिए इसे नियम कानून वगैरह सब बनाने की क्या थी, आजादी थी। तो परिवर्तन क्या आया, पहला परिवर्तन 3 जून 1947 के बाद में घोषणा के बाद में कहीं ना कहीं दिखने लगा था, जिसमें 389 जो सीटें थी वो 389 सीटों की संख्या भारत में कितनी होगी, 299, उसमें ब्रिटिश भारत की कितनी होगी 229, और रजवाड़ों की कितनी होगी 70। दूसरा क्या है, 15 अगस्त के बाद में क्या दिखाई देगा कि भैया ब्रिटिश भारत जो ब्रिटिश थे वो तो चले गए, और ब्रिटिश जब चले गए तो स्वाभाविक रूप से वो अपनी सत्ता किसी को सौंप के गए, तो संविधान सभा को सौंप के गए, तो संविधान सभा बन गई अंतरिम सरकार, और ये अंतरिम सरकार को कानून बनाने का अधिकार था, कानून बनाने का अधिकार था, तो स्वाभाविक रूप से इसे अंतरिम सरकार के नाम से भी जाना गया, अंतरिम सरकार, याद रखिए 1946, जिसके प्रधान भी कौन थे, हमारे पहले प्रधानमंत्री जिनका नाम था जवाहरलाल नेहरू साहब। ये परिवर्तन हमें दिखाई दिया, जब ये परिवर्तन हमें दिखाई दिया तो इस परिवर्तन के बाद में अब क्या किया कि अब कार्य करना है। अब तो ये भी आ गया कि भैया क्योंकि एक आरोप लगता है संविधान सभा पे कि संविधान सभा जब भी बैठती थी उसे पूर्व अनुमति लेने की आवश्यकता रहती थी हमेशा ब्रिटिश भारत के प्रशासन से, कि भैया हम बैठे क्या नहीं बैठे। पर अब 15 अगस्त हो चुका था, भारत आजाद हो चुका था, तो अब कहीं ना कहीं भारत की जो संविधान सभा थी वो संप्रभु हो चुकी थी, अपने निर्णय लेने के लिए वो स्वयं स्वतंत्र हो चुकी थी, और इसी बात को ध्यान में रखकर अब कार्य करना और द्रुत गति से उन्होंने तेज किया। जब कार्य करना उनके द्वारा द्रुत गति से तेज किया तो स्वाभाविक रूप से कार्य बहुत बड़ा था, और कार्य बहुत बड़ा होने के कारण उन्होंने समितियों के माध्यम से कार्य करने की सोची, और कई सारी समिति का निर्माण किया। आज भी संसद जो है वो अपने कार्य को सुचारू रूप से व्यवस्थित रूप से करने के लिए क्या करती है, कई सारी समितियां बनाती हैं, और वो समितियां कई सारी रहती है जो एक प्रमुख क्षेत्र को ध्यान में रखकर बनाई जाती है, और वो पूरे क्षेत्र के कार्य को वो समिति ही करती है, और जब वो समिति का कार्य पूरा हो जाता है तो संसद के सामने रखती है, और संसद के सामने रखने के बाद में केवल मतदान की स्थिति आती है। ऐसा ही कुछ संविधान सभा में किया, उसमें प्रमुख 8 समितियां बनी, जिसमें प्रमुख थी प्रारूप समिति, राज्य समिति, प्रांतीय समिति, संघ समिति, संघीय समिति, संचालन समिति, इस प्रकार की समिति, मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के लिए समिति, ये कई प्रकार की समितियों को बनाया। कौन कौन सी समिति थी, पहला संघीय समिति, प्रांतीय समिति, राज्य समिति, अल्पसंख्यक एवं मौलिक अधिकार समिति, संचालन समिति, नियम समिति, आप याद रखिएगा, ये प्रकार की समितियां उन्होंने बनाई, और इस समितियों के कई सारे अध्यक्ष भी रहे, जिसे ढूंढना आपका काम है, मिल जाएगा आपको, मैं आपको नाम बताया, और इसी के ऊपर प्रश्न भी रहे। ये समितियों के माध्यम से कार्य किए गए, जिसमें से एक समिति जो प्रमुख थी, जिसकी स्थापना की गई 29 अगस्त 1947 को, जिसमें कुल सदस्यों की संख्या 7 थी और एक अध्यक्ष थे जिनका नाम था B.R. अंबेडकर साहब, और इस समिति का नाम था प्रारूप समिति, जिसने पूरे के पूरे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया, प्रारूप का मतलब ड्राफ्ट होता है, और ये समिति सबसे महत्वपूर्ण समिति थी, जिसके सदस्यों की संख्या कितनी थी, 7 थे, और ये समिति के द्वारा भारत के संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया। ये सभी समितियां थी, काम कर रही थी, पर महत्वपूर्ण कौन सी थी, प्रारूप समिति। अब ये प्रारूप समिति के अगर कार्यों पर आए तो प्रारूप समिति एक महत्वपूर्ण समिति इसलिए क्यों, क्योंकि इसी समिति ने हमारे जो वर्तमान संविधान है इसके विषय में कौन सा उपबंध रखा जाए कौन सा नहीं रखा जाए, इसके ऊपर अपने 7 सदस्यों के माध्यम से इस समिति ने लगातार बहस की, लगातार काम किया,
और इसलिए प्रारूप समिति को बहुत महत्वपूर्ण माना गया। और प्रारूप समिति के द्वारा जिसके अध्यक्ष इसके द्वारा अपने साथ में रॉय साहब को रखा गया जो अच्छा विधिवत थे, उन्होंने 60 देशों के संविधान को रख दिया भी इसको पढ़ो और पढ़ने के बाद में जो जो बातें आपको अच्छी लगती उन बातों को रखो और जो जो बातें अच्छी लगती है अपने कंडीशन के हिसाब से उन बातों को आप रखिए और साथ में उसके कारण भी बताइएगा। तो 7 ये सदस्य और रॉय साहब साथ में आ गए तो ये 8 सदस्य के द्वारा मिलकर पूरे संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया। और जब संविधान का ड्राफ्ट तैयार किया गया तो संविधान के ड्राफ्ट को प्रस्तुत किया गया फरवरी 1948 को ड्राफ्ट को पहली बार रखा गया जनता के सामने। और जनता के सामने रखा गया तो इस ड्राफ्ट के अंतर्गत कई सारी बातें थी जिसको और सुधारना था और कई सारी ऐसी बातें थी जिसको जोड़ना था। इस बात को ध्यान में रखकर 6 माह के लिए जब ये ड्राफ्ट को जनता के सामने रखा तो कई सारे सुझाव भी आए और कई सारे जब सुझाव आए तो उसके बाद में प्रारूप समिति के द्वारा 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक के लिए पहली बार प्रारूप समिति ने अपने ड्राफ्ट को चर्चा के लिए लाया और चर्चा के लिए लाने के बाद में इस ड्राफ्ट की पुस्तक सबके सामने रख दी और कह दिया कि भैया ये ड्राफ्ट हमने बनाया है संविधान सभा को, आपके सामने सबकी एक एक प्रति हमने रख दिया। ये प्रति रखने के बाद में कहा कि आप घर से पढ़कर आइएगा और इस पर हम समय समय पर चर्चा करें। तो पहला जो ड्राफ्ट था वो संविधान सभा के सामने 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक रखा। इसके बाद में दूसरा उसी ड्राफ्ट के ऊपर चर्चा करने के लिए 15 नवंबर 1948 से लेकर नवंबर याद रखिएगा 17 अक्टूबर 1949 तक दूसरी बार ड्राफ्ट को रखा गया और बिंदुवार तरीके से ड्राफ्ट के एक एक बिंदु पर चर्चा की जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई प्रारूप समिति के अध्यक्ष बी.आर. अंबेडकर के द्वारा और हर प्रश्न का जवाब बड़ी आतुरता के साथ दिया गया। और इसी के बाद में अगली चर्चा हुई 14 नवंबर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1949 को अंतिमतः संविधान सभा के द्वारा ड्राफ्ट को मान लिया गया। और जब ड्राफ्ट को मान लिया गया तो उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को जो जिसे संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को मान लिया था उसे 26 जनवरी 1950 को पूरे भारत में लागू कर दिया। और ये डेट मानने का प्रमुख कारण ये था कि 1930 के करीब करीब जो रावी नदी के किनारे हमने आजादी की घोषणा की थी और झंडा लहराया था उस डेट को महत्व देते हुए 26 जनवरी 1950 को ही हमने क्या करा अपना गणतंत्र दिवस मनाने की क्या की कोशिश की। और इसी के बाद में हमारा संविधान पूरी तरह से लागू हुआ। जब 26 नवंबर था तो उसके साथ कुछ बिंदु लागू हो गया पर 26 जनवरी 1950 के बाद में भारत का संविधान पूरी तरह से लागू हो गया। और जब लागू हो गया तो उसके बाद में संविधान सभा में जो संविधान को माना था उसके अंतर्गत 395 अनुच्छेद 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान में 460 के करीब करीब अनुच्छेद 25 भाग और 12 अनुसूचियां मानी जाती है। मतलब हमारा जो संविधान है वो समय और परिस्थिति के अनुसार बदल सकता है। यही हमारे संविधान की एक प्रमुख विशेषता है जो अंबेडकर के द्वारा कही गई थी कि मैं अपने संविधान के ऊपर अंतिम मोहर नहीं लगाना चाहता हूँ जिस प्रकार से कनाडा में वहां की जनता संविधान को वहां की संसद संविधान को नहीं बदल सकती। जो लिख गया है वो लिख गया है, उसमें परिवर्तन करने का अधिकार ना तो संसद का है ना जनता का। परंतु हमारे यहाँ पर आर्टिकल 368 भाग 20 के तहत हमारे देश के संविधान में कुछ संशोधन किए जा सकते हैं जो
आधारभूत ढांचे को कहीं ना कहीं विच्छेद नहीं करते, टच नहीं करते। तो हमारे संविधान में मूल रूप से कितने थे, 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां, वर्तमान में 460 के करीब करीब अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। अब ये बात आती है कि हमारे संविधान सभा के क्या क्या आलोचना की गई और कौन कौन सी आलोचना की गई। इन आलोचनाओं को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, और आलोचनाओं को नेक्स्ट लेक्चर में देखने के साथ में हमारे संविधान की विशेषताओं को भी हम देखने की कोशिश करेंगे। एक एक करके पॉइंट आपको समझ में आते चलेगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।